وبه نستعين وصلى الله على النبي الكريم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ये तक़वे का बाब है और इस हदीस में सबसे पहले दुनिया की हकीकत बयान की गई है और ये मिसाल दी गई है कि दुनिया मीठी है और सब्ज़ है, सरसब्ज़ है, हलवतुन खज़रा, चखने के एतबार से और देखने के एतबार से, चखने के एतबार से मीठी और देखने के एतबार से सरसब्ज़। और ये बेहतरीन मिसाल है, जिस तरह आदमी कोई मीठी चीज़ खाता है, जितनी देर वो मुंह में मीठी चीज़ रहती है मुंह में मिठास रहती है, और जैसे ही वो पेट के अंदर गई अजीब सा मुंह में कड़वापन बकठापन सा पैदा हो जाता है, गोया के ये मिठास बहुत ही महदूद होती है, बहुत ही आर्जी होती है। आदमी जब मुंह के अंदर मिठाई रखता है तो उसको बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन ये मज़ा बहुत ही मुख्तसर वक्त के लिए होता है, जहाँ वो मिठाई पेट के अंदर गई मज़ा ख़त्म। बल्कि वो जी चाहता है कि जल्दी कोई चीज़ पानी पी ले या कोई नमकीन चीज़ खा ले तो भी मुँह का मज़ा कुछ ठीक हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही दुनिया का मामला है, चखने के एतबार से और देखने के एतबार से। सब्ज़े से मिसाल दी, सब्ज़े का मामला भी ऐसे ही, दूर से तुम देखो सब्ज़ा बड़ा खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन जब करीब जाओ तो पता चलेगा कि अरे तो कबाड़ भी था इसमें। दूर से सिर्फ सब्ज़ा नज़र आता है, खेत दूर से देखो बड़े सरसब्ज़ शादाब नज़र आते हैं, लेकिन अंदर आदमी जाता है तो अंदर जाने के बाद उसमें कंकड़ पत्थर बाद मतलब गलाजत ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आती। दूर से बहुत अच्छे दूर के ढोल सुहाने, अंदर आदमी गया तो हकीकत समझ में आती, एक बात। और दूसरी बात ये कि जो आज सब्ज़ा है कल वो बिल्कुल ऐसा भूसा हो जाता है कि मानो तो यहाँ कुछ था ही नहीं। ये जो खेत देखो उसके धान के हों या गेहूं के हों या और खेत हों, ये शानदार सरसों निकलती है, फूलती है, बड़ी खूबसूरत लगती, लेकिन थोड़ा ही अरसा गुजरता है और वो अरसा मतलूब होता है, ख़त्म हो जाता है सब खुश्क। और कभी कभी तो ऐसा ख़त्म होता है कि सब बर्बाद हो जाता है। हशीमन तजरूह रियाह, कुरान मजीद में उसकी मिसाल दी गई, एक अल्लाह ने आंधी चला दी और ये गिर गए सब ख़त्म। और ऐसे ही नहीं भी कुछ हुआ वो खेती खुश्क हो गई, और जब खेती खुश्क हो जाती है तो देखने में कैसी अजीब सी मालूम होती है, कट के ख़त्म, काट दी जाती है, भूसा हो जाती है। तो दुनिया की मिसाल यही है बिल्कुल, ये दोनों मिसालें बिल्कुल ऐसी वो हैं, मुंतबिक होती हैं पूरी तरह से दुनिया पर, किससे बेहतर क्या मिसाल होगी। नंबर एक बरतने के एतबार से और नंबर दो देखने के एतबार से। दुनिया आदमी हासिल करता है और हासिल करता चला जाता है, लेकिन जब दुनिया बरतता है तब उसकी हकीकत समझ में आती है। एक अजीब सी बात है ये, पहले मरहले में बड़ा अच्छा लगता है वो, बिल्कुल पहला मरहला, फिर कुछ देर और जितना वक्त गुजरता है उतना ही फिर उसकी जो लज्जत है, उसकी कैफियत है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती। हम इसकी मिसाल देते हैं कि सख्त गर्मी से कोई पंखे में आए लगेगा जन्नत में आ गए, थोड़ी देर में लगेगा अरे तो हवा गर्म है, अब उसके बाद कूलर में आए तो लगेगा क्या कहने मज़ा आ गया, और कुछ अर्सा गुजरा उसको पता चला एसी भी होता है, एसी में आया तो उसको लगता है कि वाकई जन्नत में आ गए, लेकिन एसी में कुछ देर बैठा रहा तो चार दिन गुजर गए, आठ दस दिन गुजर गए, तो लगता है कोई ख़ास चीज़ नहीं, फिर वो अजीब सी कैफियत होने लगती है। बिल्कुल तजर्बे की बात है, उसका तजुर्बा हर एक को होगा कि इब्तिदा का जो लुत्फ़ है वो लुत्फ़ बाद में नहीं रहता,
वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। एक छोटी सी मिसाल है, दुनिया में बिल्कुल यही सूरत हाल है कि दुनिया की जितनी राहत की चीज़ें हैं, लज्जत की चीज़ें हैं, मज़े की चीज़ें हैं, इब्तिदा में आदमी जब हासिल करता है तो उसको बड़ा लुत्फ़ आता है, लेकिन बहुत ही जल्द बाद चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि उसके बाद उसको इंतहाई नदामत होती है। बाद चीज़ें ऐसी होती हैं कि फौरन समझ में आ जाता है कि ये मज़ा तो बहुत महदूद था, मामूली था, हम उसको बहुत ज़्यादा समझ रहे, इतना मज़ा नहीं था। तो दुनिया बरतने के एतबार से देखा जाए बिल्कुल मिठाई की तरह है, जैसे मिठाई खाई और हलक से उतरी, उसके बाद मालवा मुँह हो गया कड़वा बकठा, अजीब सा मुँह हो जाता है मीठा खाने के बाद। जब जितनी देर खाता है तो लगता है मज़ा आ गया, मिठाई आला किस्म की, और जब वो गई तो मामला ख़त्म। बिल्कुल इसी तरह दुनिया जिस वक्त आदमी बरतता है फौरी तौर पर उसको बड़ा अच्छा लगता है इब्तिदा में, लेकिन थोड़ा वक्त गुजरने के बाद उसकी हकीकत उसके समझ में आ जाती है। अब जितने बड़े बड़े साहूकार हैं, सेठ हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास बहुत बड़े बड़े मकानात हैं और दसियों फ्लैट्स हैं और दसियों गाड़ियां हैं और सारी सहूलतें हैं, मैं अगर कसम खा के कहूँ तो हानिश नहीं होगा, उनसे जाके पूछो उनको कितना मज़ा आता है। इब्तिदा में कुछ किसी चीज़ में जी नहीं लगता, मज़ा नहीं आता, मज़ा क्या आएगा, दुनिया में को अल्लाह ने इसलिए बनाया ही नहीं। तो ये दुनिया की जो मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हलवा बिल्कुल वह है, बराबर वह है, परफेक्ट मिसाल है, पूरी तरह से मुंतबिक होती है। इसी तरह खजरा की जो मिसाल है वो भी बहुत ही परफेक्ट, हरी नज़र आती है दूर से, दूर से बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब आदमी बरतता है तो समझ में आता है क्या उसमें मज़ा था और क्या उसके अंदर मसायब और मुश्किल थी और कैसी कैसी उसके अंदर फिक्रें थी और उसने कैसे मुसीबत में डाल दिया हमें। ये हमने 50 लाख तो कमा लिए, लेकिन 50 हज़ार कमा के हमें वो सुकून ना मिला जो 2-4 हज़ार में मिल रहा था। तो ये आदमी दूर से लगता है बड़ा अच्छा, वो उसके पास उसकी 50 हज़ार तनख्वाह है, उसको तो बड़ा मज़ा आता होगा, और उसकी तो 1 लाख तनख्वाह है, क्या कहने उसके, दूर के ढोल सुहाने। लेकिन जब उसको ये पैसा मिलता है तो उसके बाद समझ में आती है बात के इसमें कितना मज़ा था और कितनी सज़ा थी। तो ये दुनिया की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी कि इन दुनिया हलवतुन खज़रा, देखो धोखे में मत पड़ना, मिठाई की तरह है, मीठा हलक के अंदर गया और काम ख़त्म, सब्ज़े की तरह है, बस पका, खेत पका, गल्ला पक गया, तैयार हो गया, कटाई हो गई, भूसा भूसा हो गया, नहीं हुआ अभी देखो, बड़ा अच्छा लगता है बारिश के मौसम में, अब मई आ गया, अब मई अखीर तक देखो तो लगेगा भूसा उड़ रहा है और घास वास सब खुश्क हो जाती। तो ये जो ज़ाहरी तौर पर सब्ज़ा है इसमें दवाम नहीं है, और फिर अंदर जाओ तो मालूम होता है कि कोई ज़्यादा उसमें रहनाई भी नहीं है। बड़े बड़े पार्कों में तुम जाओ, बहुत जिसको मेंटेन किया जाता है कि एक एक चिंदी निकाल निकाल के फेंकी जाती है, क्या क्या तमाशे होते हैं, तो वहाँ तो कुछ थोड़ा बहुत गनीमत। और यूँ दूर से सब्ज़ा नज़र आता है, वहाँ अंदर जाओ जाने का पता चलेगा तो कंकड़ भी हैं और पत्थर भी हैं और गंदगी भी है और फलाना भी है, वो जो मज़ा दूर से था वो अंदर जाके समझ में आता है कुछ नहीं। तो ये बिल्कुल दुनिया की मिसाल है, मुंतबिक होती है कि दूर से अच्छी लगती है लेकिन जो बरतता है उसको भी मज़ा आता है। कुछ चीज़ें होती हैं मज़े की जिसकी वजह से आदमी हासिल कर लेता है, लेकिन उसके साथ जो उसकी मुसीबतें हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं। और फिर फरमाया कि इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा फयन्ज़ुरु कैफ तअमलून, कि देखो अल्लाह तुम्हें दुनिया में भेज रहा है, हज़रत आदम को अल्लाह ने भेजा दुनिया में और उनके वास्ते से अल्लाह ने उनकी औलाद को दुनिया में फैला दिया, गोया कि सब के सब खलीफा हैं। अल्लाह ने आदम को खलीफतुल्लाह बनाया और फिर उनकी औलाद को भी अल्लाह ने खलीफा करार दिया। दुनिया में अल्लाह ने इसलिए भेजा ताकि वो देखे कि ये दुनिया जो है, ये दुनिया किस तरह से उसको बरतता है। अल्लाह ने गोया के इंसान को आजमाइश के लिए यहाँ भेजा है और इंसान की चाहत की चीज़ें, आराइश और ज़ेबाइश की चीज़ें अल्लाह ने दुनिया में बिखेर दी हैं और वो ये आज़माना चाहता है कि वो क्या किस तरह ज़िंदगी गुजारता है, क्या चीज़ें अख्तियार करता है, किन चीज़ों से बचता है। और फिर रेड लाइन खींच दी गई, देखो इसके पार मत जाना, इतना तुम करो इसके आगे मत जाना, कुलू व शबो में रिस्किल्ला, अल्लाह के रिस्क में से खाओ पियो वला तुसरिफ़ू, कुलू शबो वला तुम खाओ पियो, लेकिन इसराफ मत करो,
खाना पीने की इजाजत, लेकिन उसके साथ शर्तें, तजावुज ना हो, हराम ना हो, मुश्तबा ना हो, किसी दूसरे का ना हक माल ना हो, हराम कमाई का ना हो, हलाल कमाई का हो। तो अगर ये सारी शर्तें हैं तो इजाज़त है। तो दुनिया अल्लाह ने दी है इम्तिहान के लिए दी है, इसलिए नहीं दी कि उसमें आदमी पूरी तरह से घुस जाए और फिर जो समझ में आए वो करे, जायज देखे ना जायज देखे, कुछ ना देखे, जो समझ में आए वो करता चला जाए। अल्लाह ने दुनिया इसलिए नहीं दी। लेकिन दुनिया अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि आदमी धोखे में पड़ता है और जब उसको मजा आता है तो भूल जाता है कि जायज़ क्या है ना जायज़ क्या है। हालांकि सच्ची बात यह जो ऊपर हदीस में बयान कर दी गई कि वो मज़ा भी बहुत ही फ़ानी मज़ा होता है, आर्जी मज़ा होता है, थोड़ी देर का मज़ा होता है, उसके बाद कुछ भी नहीं। बाद मरतबा तो उस मज़े के बाद सजा और बाद मरतबा उस मज़े के बाद ऐसा वो ख़त्म होता है मज़ा कि वो भी एक तरह की छोटी मोटी सजा ही बन जाती। तो ये हकीकत है दुनिया की। लेकिन अल्लाह ने चूँकि आजमाइश का घर बनाया है तो आदमी इसमें फंसता चला जाता है। कहते हैं कि 99 के फेर में फंसता चला जाता है। बहुत से लोग हैं दीन की खिदमत वाले, कहते हैं थोड़ा सा कमा लें फिर दीन की खिदमत करें, और जब वो कमाई के धंधे में फंसते हैं तो ऐसा फंसते हैं कि दीन की खिदमत का मौका तो असों को मिलते देखा नहीं गया। वो कहते हैं अभी एक एक मकान बना लिया है, एक और बना लें किराए पर उठा देंगे, वो भी बना लिया तो कहते हैं दो चार और बना लें, इसमें आमदनी पूरी नहीं होती। और जब वो भी बना लिए तो कहें ये तो बहुत कम है, ज़रा सा एक टावर बना लिया जाए तो फिर दीन की खिदमत का बड़ा अच्छा मौका मिलेगा। तो ऐसे लोगों को दीन की खिदमत का मौका कभी मिलता ही नहीं। इनकी मिसाल वैसे ही होती है जैसे उसने भेड़िया ने किसी को पकड़ लिया था। किस्सा मशहूर है कि बारिश का ज़माना था, नदी बढ़ी हुई थी, देखा दो लोग लालची किस्म के खड़े थे नदी किनारे, देखा काली काली एक चीज़ बही जा रही, ओ कंबल बहा जा रहा है, चलो पकड़ लाएं कंबल को ले आए। एक कूद गया और जाके उसने हाथ मारा कंबल को, अब उसके बाद आता ही नहीं। तो इसने कहा भैया कंबल को लाओ, वहाँ क्या कर रहे हो? तो कहा भैया हमने तो कंबल पकड़ने के लिए आए थे, कंबल ने हमको पकड़ लिया। पता चला कि वो रीछ था, बाहर चला जा रहा था और उसका जो ऊपर का बालों का हिस्सा है वो नजर आ रहा था, वो बेवकूफ़ समझा कि कंबल है, तो कंबल ने पकड़ लिया। तो इसी तरह लोगों को कंबल पकड़ लेता है। जब वो दुनिया में घुसते हैं तो फिर उसके बाद नतीजा ये होता है कि वो उसकी जो लज्जतें आती हैं घुसती हैं और आहिस्ता आहिस्ता आदमी उसके अंदर तवक्कुल करता है तो बस जकड़ जाता है। जैसे हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि जो बखील होता है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी के जिस्म पर ज़रा हो ऊपर से और वो ज़रा जकड़े हुए हो, जितना वो देना चाहता है इरादा करता भी है और ज़रा जकड़ जाती है तो वो दे ही नहीं पाता। जब उसने एक मरतबा वो ज़रा पहन ली था, वो ज़रा की जो गिरहें हैं वो जकड़ती चली जा रही हैं उसको, तो ऐसा जकड़ जाता है कि वो देना चाहे तो नहीं दे सकता। बखील की मिसाल हदीस में दी गई। बिल्कुल इसी तरह आदमी जब दुनिया के हेर फेर में फंसता है तो ऐसा फंसता है कि फंसता चला ही जाता है, एक के दो, दो के दस और सौ के 500 करता है, और फिर उसको ये तौफीक नहीं होती कि वो इस बात को समझे, इस हकीकत को कि अल्लाह ने दुनिया को तो दारुल इम्तिहान बनाया है, इम्तिहान का घर है। इसलिए दुनिया अल्लाह ने नहीं दी कि हम उससे मस्त हो जाए पूरी तरह से, हमको इजाज़त है। अल्लाह ने हमें इसकी इजाज़त दी कि आदमी खाए पिए, आदमी अच्छा लिबास पहने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में इसके नमूने मौजूद हैं, लेकिन उसमें गौर करने की बात यह है कि उसमें तवक्कुल ना, उसमें आदमी ऐसा गुलू ना करे, घुसता ना चला जाए कि भूल जाए कि सही क्या है और गलत क्या है, हम कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ तक नहीं जा सकते, ये फहम ज़रूरी है। इसमें अगर आदमी ने गौर ना किया और वो दुनिया में फंसता चला गया तो फिर इसके बारे में बहुत ख़तरा है कि वो हक अदा ना कर सकेगा और बिल्कुल वो हलाक हो जाएगा, दुनिया के चक्कर में हलाक हो जाएगा। तो फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें खलीफा बनाया है, इसमें तो देखता है तुम क्या करते हो, यानी दुनिया के बारे में तुम्हारा तर्ज अमल क्या है और ये दुनिया जो है किस तरह हासिल की जा रही है, कहाँ उसको रखा जा रहा है और कहाँ उसको खर्च किया जा रहा है, तीनों बातों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। कहाँ से हासिल की गई है दुनिया, मार दौलत कहाँ से आया, इसका भी कल क़यामत के अंदर सवाल होगा, हलाल है कि हराम है, मुश्तबा है कि बिल्कुल पाक और साफ है, फिर उसने कहाँ उस पैसे को रखा, ये भी एक बहुत अहम मसला है। ये बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि गलत तरीक़े पर उसको रखा जाता है और वो भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ गिरफ्त की बात हो जाती है, और फिर कहाँ खर्च किया उसने, ये भी आदमी आमतौर से सोचता है कि हमारा माल है, हम जहाँ चाहें खर्च करें,
अब शादी में अगर हम खर्च कर रहे हैं तो हमारी बेटी की शादी, हमारे बेटे की शादी, कौन बोलने वाला? हमने कमाया। और ये भूल जाता है अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाता है वातो हम मिम्मादिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, अरे इनको दो। किस माल में से दो? अपने माल में से नहीं, अल्लाह के माल में से जो अल्लाह ने तुमको दे दिया। तुम समझते हो हमने कमाया? अकल अल्लाह ने दी, फहम अल्लाह ने दिया, बरकत अल्लाह ने दी, तौफीक अल्लाह ने दी। और फिर एक आदमी बड़ा अकलमंद होशमंद सारी मेहनतें कर रहा है, कुछ नहीं मिलता। एक बेवकूफ़ किस्म का आदमी ज़रा सी मेहनत करता है, उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। देने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो ये समझना है कि हमारा ये सबसे बड़ी भूल है। तो आदमी कहाँ खर्च कर रहा है इस पर भी तवज्जो देनी है। फ़ैन्ज़ुर कैफ़ तअमलून, जो बात कही कि क्या करते हो अल्लाह देखेगा। शादी में तुमने 10 लाख उड़ा दिए, अल्लाह के यहाँ पकड़े जाओगे। ये बस समझना कि मेरा माल और मेरी बेटी की शादी, ये भी तो सोचो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। अपना घर बनाने पे आए तो कारून और शद्दाद को भूल जाए आदमी, ऐसा मकान बनाने लगे और गाड़ियों पे गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी और लाख डाट उसमें शुरू हो गई, मुकाबला शुरू हो गया। वो तो हदीस में भी आता है, वो लोग बेचारे गरीब जिनको कमाने को नहीं, मकान बनाने पे आएंगे तो ऊंचे से ऊंचा मकान बनाएंगे। ये तो तताबलून फिल बुनियान हदीस में आया, अलामत है क़यामत की, कि जब क़यामत के करीब लोगों का हाल ये होगा कि नंगे पांव नंगे बदन जिनके पास कुछ नहीं, बैंकों से लोन ले लेके 5-5 मंजिला इमारत बनाएंगे, बैंकों से लोन लेंगे बना लेंगे और मुकाबले पे करेंगे। फिलहाल हमने एक जगह देखा, एक ने 2 बनाए, उसने 3 बनाए, इसे 3 बनाए, इसे 4 बनाए, इसे 4 बनाए, उसे 5 बनाए। हमारे घर करीब रतीफा एक दफ़ा हो रहा था। तो ये दुनिया जो है, ये दुनिया इंसान को मशहूर करती है, आदमी को बिल्कुल बाद मरतबा दीवानी कर देती है। लेकिन आदमी जब दाखिल हो जाता है एक मरतबा और फंस जाता है, फंसने के बाद निकल नहीं पाता, लेकिन फिर बाद में नदामत होती है उसको कि हम कहाँ चक्कर में पड़ गए। तो फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें खलीफा बनाया, देखना चाहते हैं तुम क्या करते हो। फत्तकुद दुनिया फत्तकुद निसा, तो देखो दुनिया के बारे में फूंक फूंक का कदम रखो, दुनिया के बारे में फूंक फूंक के कदम रखो। इत्तकू का तर्जुमा यहाँ आइए कि खूब सोच समझ कर फैसला करो क्या कर रहे हो। दुनिया को तुम जो इख्तियार कर रहे हो और दुनिया को तुम बरत रहे हो तो सोच समझ कर बरतो, ऐसा ना हो कि तुम सिर्फ लज्जत ही लज्जत देखते जाओ और राहत ही राहत और ऐश देखते चले जाओ और ये ना सोचो कि हम ज्यादती कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो ये बड़ी खतरनाक बात, आदमी नहीं देखता। हमने रमजान का जमाना है, इफ्तार अपने यहाँ तैयार किया और दसियों कीमती से कीमती चीज़ें इफ्तार में तैयार कर ली। हमारा पड़ोसी बेचारा, उसके यहाँ फुल्की भी नहीं, उसके पास खजूर भी नहीं। तो अब हमारे लिए ये खाना दुरुस्त है, जायज़ है कि नहीं? हम तो दावा करेंगे कि हमारी हलाल कमाई का है, हमने तैयार कराया, हम बैठ गए खाने के लिए, तो इसमें कौन सी कबाहत है? लेकिन भूल गए कि इसमें दूसरे का भी हक था, जो पड़ोसी हमारा था, जिस बेचारे के पास खजूर भी नहीं और जिस बेचारे के पास फुल्की भी नहीं। ऐसे कितनी चीज़ें हैं, आदमी इस पर गौर नहीं करता, अपना समझता है लेकिन भूल जाता है दूसरे का हक क्या। फूंक के कदम रखना। फरमाया फत्तकुद दुनिया, देखो दुनिया का इस्तेमाल करो, खूब सोच समझ कर करो, पूरा लिहाज करो उसमें, फूंक कर करो, कोई गलती ना हो। और फिर फरमाया वत्तकुद निसा, औरतों के बारे में भी होशियार रहो। देखो ये फितना बड़ा खतरनाक है, बहुत लोग इसमें मुब्तला होते हैं और ये दुनिया में जो फितने हैं उन फितनों में औरतों का फितना बहुत ही सख्त है। इसीलिए फरमाया इन अव्वल फितति बनी इसराइल कानत फिन्निसा, बनो इसराइल भी सबसे पहले इसी फितने में मुब्तला हुए। और कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह तबारक तआला ने सबसे पहले जिस फितने का जिक्र किया, जिस आजमाइश का जिक्र किया, वो आजमाइश औरतों की हुब ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बु शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीर मुक़न्तरति मिनल ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा इला आख़िरिल आया। इन तमाम दुनिया के खजानों में और दुनिया की चीज़ों में सबसे पहले जिस चीज़ का जिक्र किया गया वो औरतों का जिक्र किया गया। औरतों का फितना खतरनाक, इसी के उसमें बार मरतबा आदमी मुबतला होता है, ईमान बेच देता है, इल्म बेच देता है, सलाहियतें बेच देता है और ये भूल जाता है कि थोड़े दिन का सौदा है, क्या उसका नतीजा होगा, थोड़े दिन के बाद क्या फिर सोचेगा आदमी। आप देखें एक फितना ये भी है, हुस्न का फितना, इसमें लोग मुबतला होते हैं, इसकी बुनियाद पर लोग बार मरतबा शादियाँ भी कर लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये थोड़ी देर की जो दिल लगी थी उसका नतीजा अब क्या होगा और फिर उसके बाद उसने क्या सलूक किया और फिर उधर उसके दिमाग में क्या क्या बातें आनी शुरू हुई और उसके बाद फिर क्या नतीजा निकला, वो सारे ताल्लुकात खत्म हो गए, तलाक की नौबत आ गई।
और अगर नहीं भी आई तो ये हुस्न भी कब तक रहेगा और कहाँ तक रहेगा। तो ये जो ये ख्वातीन का जो फितना है औरतों का, इसमें हुस्न का भी फितना है। और इसमें बार मरतबा जो आदमी शादियां करता है, हदीस में तो कहा भी गया कि शादियां आमतौर से लोग हुस्न की बुनियाद पर करते हैं, जमाल की बुनियाद पर करते हैं, या फिर हसब व नसब की बुनियाद पर करते हैं, पैसे की बुनियाद पर करते हैं, और कभी दीन की बुनियाद पर करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो रिश्ता दीन की बुनियाद पर करो, क्या होगा, तरीबत यदाक, तुम्हारी पांचों उंगलियां घी में रहेंगी, तुम्हें तुम्हारे मजे ही मजे रहेंगे, पांचों उंगलियां घी में रहेंगी, और आगे कहा जाए सर कढ़ाई में रहेगा, यानी तुम्हें सारी दुनिया की राहतें मिल जाएंगी, खिदमत गुजार बीवी मिल जाएगी, दीन पर आमादा करने वाली होगी, तुम्हारी आंखों की ठंडक बनेगी, थोड़ी हो सकता है थोड़ी देर के लिए जो हुस्न का मजा है वो उतना तुम्हें ना आ सके, लेकिन हकीकत जो उसकी है, उस मजे की, जिंदगी का जो मजा है वो उसके जरिए से आएगा जो दीनदार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात फरमाई, लेकिन वहां ही बात कही कि आदमी फितने में मुबतला होता है जमाल के, और जमाल की वजह से शादियां करता है। तो ये औरतों का जो फितना है वो जमाल का भी फितना है, और उसमें फरेबता आदमी कभी कभी ऐसा होता है, शादी कर ली और मोहब्बत के साथ शादी कर ली, अब बीवी साहिबा की फरमाइशें खत्म होने को नहीं आती, अब उसमें जायज भी हैं और नाजायज भी हैं, और मियाँ का हाल ये है कि वो उनके दुम हिलाता हुआ जैसे कुत्ता होता है या गुलाम, जो कहा जाएगा वो होगा, जायज हो या नाजायज हो। तो ये जो तरीका है जिंदगी है, अल्लाह आजमा रहा है, देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, इसमें आदमी को ये समझना चाहिए कि हलाल क्या है, हराम क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, और अल्लाह ताला ने हमें जो हुक्म दिया उसके मुताबिक हमको जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह ने दुनिया इम्तिहान के लिए दी, ये दुनिया अल्लाह ने इसलिए नहीं दी कि उसमें आदमी मस्त होकर सब कुछ भूल जाए, बल्कि ये सोचे कि इतना हमारे लिए जायज है, यकीनन हमें इजाजत है कि हम, अल्लाह ताला ने दुनिया की जो राहतें रखी हैं, जो नियामतें रखी हैं, उनका इस्तेमाल भी करें। वह अम्मा बिनियामत रब्बी का फहद्दिस का जिक्र है, उसमें अगरचे नियामत में से दूसरी असल नियामत मुराद है वो दीन की नियामत है, लेकिन ये भी बात कही जाती है कि दुनिया की नियामतें भी हैं, उनका भी जहूर होना चाहिए। आदमी पास कपड़े हैं, कपड़े पहने, लेकिन उसमें गुलू ना हो, खाने हफ्ते आगे खा सकता है, लेकिन उसमें गुलू ना हो, और गुलू का मतलब यही है कि जो हुकूक हैं उन हुकूक की अदायगी भी साथ साथ होती रहे। अगर ये तरतीब चलेगी तो इंशाअल्लाह ये दुनिया हमारी राहत का जरिया बनेगी, आखिरत की कामयाबी का जरिया बनेगी, और हम इस इम्तिहान में जो अल्लाह ने इस दुनिया के जरिए से हमारा किया हम उसमें कामयाब होंगे, वरना ये दुनिया तो इंसान को बाद मरतबा ऐसे गहरे गार में गिरा देती है ले जाकर कि आदमी के लिए बचना भी मुश्किल हो जाता है। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।